राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी फांगशन आख्या राहुल गांधी 22 जानुवारी अनुष्ठान राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठार कार्यसूची ना जाए कांग्रेस शीर्ष नेता এই সকলোরে ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীয়ে দ্য ইস্যু ফ্র্যাঙ্কলি ইউ সি দ্য আর এস এস এন্ড দ্য বিজেপি হ্যাভ মেড দ্য 22nd জানুয়ারি ফাংশন এ কমপ্লিটলি পলিটিক্যাল নরেন্দ্র মোদী ফাংশন ইট ইজ ইটস বিকাম এ আর এস এস বিজেপি function and I think that is why the Congress president said that he would not go to the function. It is difficult for us to go to a political function which is designed around the Prime Minister of India and designed around the RSS. We made it clear that whoever would like to visit the Ram temple among our partners, among our party, is more than welcome to do it. It's difficult for us to visit on the 22nd and say that, you know, this is a Prime Minister's function, this is a RSS function, and we are going to go. Manipur's pisot Rahul Gandhi netritwat hua Bharatiya Nyay Yatra upasthit hoy Nagaland's Kohimat. Kohimat upasthit hoy sangbad madhyamok sambodhan kori sangbadikor kebato prashnor uttor dile Rahul Gandhi. কংগ্রেস নেতাজনে কেনেকৈ মানে হিন্দু ধর্ম সেও কলে সাংবাদিকক কোই মুঝে কুছ কেহতা হ্যায় মে অহংকার সে নহীঁ বোলতা হুঁ উসকি বাত সুনতা হুঁ নফরত নহীঁ ফেলাতা হুঁ ইয়ে মেরে লিয়ে হিন্দু ধর্ম হ্যায় অর ইসকা মে আপনি জিন্দগি মে পালন করতা হুঁ মগর মুঝে ইসকো আপনি শার্ট পে পহনে কি জরুরত নহীঁ জো ইসকো মানতে নহীঁ হ্যায় उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है तो ये बात है इंडिया अलायंस सकलय प्रश्नर सम्मुखीन राहुल गांधी इंडिया मोर्चा सन्दर्भत सुस्पष्ट उत्तर नाई राहुल गांधीर ऊरत तथापि इंडिया मोर्चा 2024 लोकसभा निर्वाचन जिकिब बोली प्रबल आत्मविश्वासी राहुल गांधी तो देखिए इंडिया अलायंस के जो प्रोसेसेस हैं डिस्कशंस हैं अच्छी तरह चल रहे हैं ज़्यादातर जगह आसान है ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है एक दो जगह थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं मगर मुझे लगता है कि काफ़ी आसानी से जो सीट शेयरिंग की बात है और बाकी चीज़ें हैं हम इनको रिजॉल्व कर लेंगे और काफ़ी अच्छा इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा बीजेपी विरुद्ध खड़ा राहुल गांधी अन्याय द्वारा घृणा व्यापार से बीजेपी जिस प्रकार से देश में अन्याय हो रहा है इस अन्याय के बीच में और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है अन्याय से नफरत बढ़ रही है हिंसा बढ़ रही है और बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य एक्चुअली चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा पूरा का पूरा धन पकड़ाने का है तो ये हम न्याय यात्रा में थोड़ी डिटेल में स्टेट वाइज हम ये बात जनता के सामने रखेंगे भारत जोड़ो एक आदर्शगत यात्रा অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের এই যাত্রা বলে মন্তব্য কংগ্রেস সাংসদ গরাকির जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो विचारधारा की यात्रा है इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा अच्छी तरह चुनाव लड़ेगा चुनाव जीतेगा ये इस यात्रा का लक्ष्य जो न्याय का सवाल है उसको जनता के सामने रखने का है सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय राजनीतिक न्याय उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं कास्ट सेंसस का इशू है जैसे यहाँ पे नागालैंड में अभी बातचीत हुई कि यहाँ पे वायदे किए गए थे वो वायदे तोड़े गए हैं मणिपुर में आपको दिख रहा है क्या हुआ है तो इन मुद्दों को उठाने की यात्रा है विचारधारा की यात्रा है इलेक्शन कैंपेन होगा वो प्रोसेस चलेगी उसमें हम सब भाग लेंगे किंतु राहुल गांधी जी नक क्य आज लोकसभा निर्वाचन प्रति लक्ष्य राखिए कांग्रेस रणनीति क्या निश्चित हो उठिसे एक समयते राम मंदिर लय करा मंतव्यर बाबे बीजेपी रुखत राहुल गांधी जे परिबो सेओ अवधारित
नेशनल डेस्क प्रतिदिन टाइम